वेलकम बैक टू माय चैनल अमन कंप्यूटर ट्यूटोरियल। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम आज की वीडियो में देखेंगे कि अगर कोई संख्या बाइनरी नंबर में 0 to 1 के फॉर्म में हो तो उसको हम डेसिमल फॉर्म में कैसे बदलते हैं। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बाइनरी को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई संख्या हम बाइनरी का ले लेते हैं जैसे कि 10010, ये एक संख्या हम ले लेते हैं और मैंने बताया था कि बाइनरी का बेस में 2 होता है, बाइनरी की पहचान होती है, ये हो गया। अब हमको इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। डेसिमल की पहचान मैंने बताया था कि इसके बेस में 10 होता है, तो अब इतनी की वैल्यू क्या होगी ये हम बताते हैं। जैसे कि ये है तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ से 1 0 0 1 0 1। इतना लिख लेने के बाद हम यहाँ पीछे से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 2 की पावर 0 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। इतना कर लेने के बाद सबको आपस में हम जोड़ देते हैं एड, और इसकी वैल्यू लिख लेंगे। इसकी वैल्यू हो जाएगी 32 + 0 0 4 0 1, और इसको जोड़ देने का हमारे पास आ जाएगा 32 + 4 = 36 + 1 = 37। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 37 base 10। ये आपका बाइनरी में था और ये कन्वर्ट हो गया आपका डेसिमल में। फिर ये 37 आ गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो इतनी वैल्यू है तो इसको हम प्रूफ कर लेते हैं कि ये इतनी बराबर है कि नहीं। 37 डेसिमल में हो गया और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते, ठीक उसी प्रकार एलसीएम द्वारा हम चेक कर लेते हैं। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 18 से 1, 2 से डिवाइड किए 9 से 0, 2 से डिवाइड किए 4 से 1, 2 से डिवाइड किए 2 से 0, 2 से डिवाइड किए 1 से 0, और इसको नीचे से हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1 00 10 10 1, बस इतनी वैल्यू। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपका दोनों वैल्यू सेम है, इन सब की वैल्यूज आप निकालिए और इसका आंसर हमें कमेंट में बताइए। फिर हम इसके नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ये तो था बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, और पिछले वीडियो में हमने सीखा डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करें। तो फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट करें, इसके हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए